हे केशव, अब मुझे कुछ और नहीं पूछना, कुछ नहीं जानना। हाँ, मुझे अपना शिष्य समझकर तुम्हें यदि कोई अंतिम उपदेश देना हो तो उस प्रसाद को पाने के लिए मैंने अपने मन की झोली फैला रखी है। मुझे जिसके योग्य समझो वही अंतिम उपदेश प्रदान करो। सचमुच मेरा अंतिम उपदेश सुनना चाहते हो? हाँ केशव, अब तक जितना मैंने पूछा उतना ही तुम्हें बताया है। अब मैं चाहता हूं कि मेरे प्रश्नों की सीमाओं से भी परे जो और है वो अपनी इच्छा से तुम मुझे बताओ। यदि वो जानना चाहते हो अर्जुन जो तुम्हारी बुद्धि और तर्क से परे है तो सुनो, मेरा अंतिम उपदेश बस इतना ही है कि अब तक जो मैंने तुम्हें ज्ञान, कर्म अथवा योग आदि की शिक्षा दी है वो सब भूल जाओ। सब पूजा की विधियों को, सब योग साधनों को और समस्त धर्मों को भुलाकर केवल मेरी शरण में इस प्रकार आओ जैसे कांटों से लहू लुहान और कीचड़ से लथपथ एक बालक रोता रोता भागकर अपनी मां की गोद में पनाह लेता है और जिस प्रकार मां उसके शरीर से सारा गंध और कीचड़ धोकर उसे फिर से एक फूल की तरह निर्मल और स्वच्छ बना देती है। हे अर्जुन, उसी प्रकार मैं तुम्हारे समस्त पापों का मैल धोकर तुम्हें पाप मुक्त कर दूंगा और समस्त संसारी बंधनों से मुक्ति देकर तुम्हें शाश्वत शांति प्रदान करूंगा। हे केशव, सारे बंधनों से मुक्त होकर अब मैं अपने आप को तुम्हारे श्री चरणों में अर्पित करता हूं। मुझे आज्ञा दो कि अब मैं क्या करूं। हे अर्जुन, अब तुम धर्म क्षेत्र में अपने कर्तव्य को निभाने के लिए आगे बढ़ो। अपना गांडीव उठाकर उसकी प्रत्यंचा खींचो और अपने गांडीव की टणत्कार से युद्ध की घोषणा करो। जहां योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण हैं और जहां गांडीव धनुर्धारी अर्जुन जैसा योद्धा है वहां विजय श्री ही विजय श्री है। यत्र विश्वम भवति एक नीडम, अर्थात समस्त विश्व एक घोंसला है और हम सब उसी घोंसले के पंछी हैं। एक कैसा विलक्षण जीवन मंत्र, कैसी विशाल भावना जिसमें विश्व की कई समस्याओं का समाधान है। एक व्यक्ति के जीवन की भव्य जागृति समग्र राष्ट्र के भाग्य को बदल सकती है, समस्त मानव जाति के भाग्य को भी।